नया बिजनेस शुरू करने के लिए करें इन सरकारी नियमों का पालन। किस बिजनेस के लिए कौन से नियम अनिवार्य हैं? देखें इस वीडियो में। व्यापार शुरू करने से पहले की कुछ जरूरी बातें। नया बिजनेस शुरू करने के लिए एक बिजनेसमैन इन तमाम व्यवसायी और बाजारी जरूरतों के साथ सफल व्यापार करना चाहता है। साथ में वो ये भी चाहता है कि उसका बिजनेस बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक चले। सफलतापूर्वक बिजनेस चलाने के लिए व्यापारी को बिजनेस संबंधी सभी जरूरतों का सामान जुटाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसको सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन का भी पालन करना उतना ही जरूरी है। गाइडलाइन के साथ कुछ सरकारी नियम भी हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। यदि बिजनेसमैन ने सरकार के सारे नियमों और कानूनों का सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक पालन किया है और उन नियमों और कानूनों से जुड़ी सारी प्रक्रियाओं को सही तरह से पूरा किया है, तो वो बिजनेसमैन चिंता मुक्त होकर अपना बिजनेस स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। इसके लिए बिजनेसमैन को अपना बिजनेस शुरू करने से पहले इन सरकारी नियमों और कानूनों की प्रक्रिया के लिए थोड़ी भागदौड़ अवश्य करनी पड़ेगी। क्यों जरूरी है सरकारी नियमों का पालन करना? बिजनेस शुरू करने से पहले की ये भागदौड़ व्यापार और व्यापारी दोनों के हित में रहती है। यदि व्यवसायी किन्हीं कारणों से सरकारी नियमों कानूनों की प्रक्रिया को अपनाए बिना ही अपना बिजनेस शुरू कर देता है, तो उसे उस समय बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब बिजनेस आगे बढ़ने की स्थिति में आ जाता है और उसी समय सरकारी नियमों और कानूनों का पालन न करने पर सरकार की ओर से दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये आवश्यक है कि एक बिजनेसमैन उन सभी सरकारी नियमों की प्रक्रिया को फॉलो करे, जैसे वो अपने बिजनेस में अनुशासन के साथ हर उचित परिस्थिति को जांचता है। कौन कौन से हैं प्रमुख सरकारी नियम और कानून? विभिन्न व्यवसायों के लिए विभिन्न तरीके के सरकारी नियम कानून लागू हैं। इन नियमों में कुछ ऐसे नियम हैं जो सभी तरह के बिजनेस को लागू करने ही होते हैं। आइए जानते हैं कि नया बिजनेस किस प्रकार से शुरू किया जाता है और कौन कौन से जरूरी नियम और कानून हैं। सबसे पहले किस तरह का व्यापार शुरू करें ये सोचें। सबसे पहले तो व्यवसायी को नए बिजनेस के बारे में ये सोचना चाहिए कि वो किस तरह के प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस करना चाहता है। उस बिजनेस का कितना बड़ा आकार हो सकता है ये भी सोचना चाहिए। वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहता है, वस्तुओं की खरीद फरोख्त करना चाहता है, या कोई महत्वपूर्ण सेवा शुरू करने का बिजनेस शुरू करना चाहता है, या फिर थोक या फुटकर व्यापार करना चाहता है। इन सारी बातों पर विचार करके उस बिजनेस का बिजनेस प्लान बनाना चाहिए और सरकारी कानूनों की जानकारी जुटाकर उनकी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। किस तरह का व्यापारिक संगठन बनाना है ये तय करना चाहिए कि वो किस तरह की फर्म या कंपनी खोलना चाहता है। भारत के व्यापार जगत में चार तरह के व्यापारिक संगठन बनाए जाते हैं। छोटे व्यवसाय के कामकाज करने के तौर तरीके अलग होते हैं और बड़े व्यवसाय के काम करने के तरीके अलग होते हैं। छोटे बड़े बिजनेस का चुनाव करने के बाद ही उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। व्यवसायिक संगठन की रूपरेखा तय करें। बिजनेस मार्केट के लिए जमीन, दुकान, शॉप, स्टोर, ग्राहकों आदि का सर्वे करने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार फर्म का आकार तय करना चाहिए। आकार तय करने के बाद व्यवसायिक संगठन का प्रारूप तय करना होता है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए व्यवसायिक संगठन के प्रमुख प्रारूप इस प्रकार होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व वाली फर्म, OPC यानी वन पर्सन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP फर्म यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। व्यवसायिक संगठनों के लिए निर्धारित सरकारी नियम। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व वाली फर्म। इस तरह की फर्म के लिए शॉपिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के अलावा कोई अन्य सरकारी महत्वपूर्ण औपचारिकताओं का पालन नहीं करना होता है। इसमें व्यक्तिगत कर यानी पर्सनल टैक्स और आयकर यानी इनकम टैक्स जमा करना होता है। साथ ही GST के दायरे में आते ही GST नंबर लेना होता है और GST जमा करना होता है। OPC यानी वन पर्सन कंपनी, इसमें कंपनी से जुड़ी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं और इसके अलावा पर्सनल टैक्स और इनकम टैक्स तथा GST देना होता है। इस कंपनी का प्रारूप लगभग सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की तरह होता है, तो इस फर्म पर भी वही कानून लागू होते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म पर लागू होते हैं। पार्टनरशिप फर्म, इस तरह के फर्म के मालिक चाहें तो उद्योग विभाग और MSME में रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो करा सकते हैं, ये कोई अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा इस तरह की फर्म की हानि लाभ और विवाद से निपटने की इनकी अपनी सारी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। इसमें दो या दो से अधिक पार्टनर का होना जरूरी है। पार्टनरशिप फर्म के लाभ पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत निर्धारित स्लैब के अनुसार सरचार्ज और सेस लगाया जाता है।
पार्टनरशिप में किसी विदेशी नागरिक को नहीं रखा जा सकता है। ना तो कोई बैठक ही बुलानी अनिवार्य है, ना ही कंपनी रजिस्ट्रार के पास वार्षिक रिपोर्ट ही देनी होती है। केवल पार्टनरशिप प्रॉफिट पर इनकम टैक्स ही देना होता है। LLP फर्म यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इस तरह की फर्म का कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में LLP एक्ट 2008 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये कानूनी इकाई है और इसके प्रमोटर्स LLP के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होते हैं। LLP के डायरेक्टर की अपनी अपनी जिम्मेदारी तय होती है। कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। फर्म का मालिकाना हक ट्रांसफर के योग्य है, यानी मालिक बदला जा सकता है। LLP पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर के अलावा सरचार्ज आदि लगाए जा सकते हैं। फर्म के व्यवसाय की वार्षिक स्टेटमेंट, वार्षिक रिटर्न की फाइल रजिस्ट्रार के समक्ष प्रतिवर्ष पेश की जानी जरूरी होती है। टैक्स रिटर्न की भी जानकारी हर साल देनी आवश्यक होती है। कंपनी लॉ बोर्ड के आदेश से बोर्ड को भंग भी किया जा सकता है। निवेशकों में विदेशी नागरिकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्वीकृति के बाद शामिल किया जा सकता है, अथवा भारत सरकार की अनुमति से भी विदेशियों को निवेशकों में ही शामिल किया जा सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस तरह की कंपनी को कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। ये एक अलग कानूनी इकाई है। इसके प्रमोटर्स कंपनी के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। ओनरशिप बदली जा सकती है, यानी शेयर को ट्रांसफर करके मालिक का बदलाव किया जा सकता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लाभ पर आयकर अधिनियम 1961 के स्लैब के आधार पर आयकर, सरचार्ज और सेस लगाए जाते हैं। समय समय पर बोर्ड की और जनरल मीटिंग बुलाई जाना जरूरी है। वार्षिक स्टेटमेंट, वार्षिक रिटर्न का लेखा जोखा प्रतिवर्ष कंपनी के रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करना जरूरी होता है। इसके साथ ही आयकर रिटर्न की डिटेल भी देनी जरूरी होती है। बिजनेस लाइसेंस के लिए आवेदन। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी होते हैं। भारत में विभिन्न बिजनेस के लिए विभिन्न तरह के लाइसेंस लेने होते हैं। आपको अपने बिजनेस के हिसाब से लाइसेंस की जानकारी जुटानी होगी और बिजनेस शुरू करने से पहले उन लाइसेंस को लेना ही सही रहेगा। लाइसेंस के बिना सरकारी कार्रवाई और मुकदमेबाजी पर अनचाहा पैसा खर्च करना होगा। लाइसेंस बिजनेस चलाने के लिए एक वैधानिक दस्तावेज है। इसके लिए रजिस्ट्रार कार्यालय में बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की सरकारी कार्रवाई पूरी करनी होती है। आमतौर पर सभी तरह के बिजनेस में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत फर्म या कंपनी का रजिस्ट्रेशन सभी बिजनेस के लिए कराना अनिवार्य है। इसके अलावा अन्य लाइसेंस उद्योगों के अनुसार लेने होते हैं। उदाहरण के लिए फूड रेस्टोरेंट के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस, एनवायरमेंट सर्टिफिकेट, हेल्थ डिपार्टमेंट से लाइसेंस चाहिए होता है। ई कॉमर्स कंपनी को VAT रजिस्ट्रेशन, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन कराना होता है तथा प्रोफेशन टैक्स का लाइसेंस लेना होता है। कराधान यानी टैक्सेशन और अकाउंटिंग कानूनों को समझें। किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने से पहले उस बिजनेस से जुड़े टैक्सेशन और लेखा संबंधी कानून को अच्छी तरह से समझना जरूरी होता है। ये तो सभी को मालूम है कि टैक्स प्रत्येक बिजनेस का जरूरी हिस्सा है। टैक्स बहुत तरीके के होते हैं। वैसे मूलतः 3 अधिकार क्षेत्र वाले सरकारी अधिकारी द्वारा ये टैक्स लगाए जाते हैं। सेंट्रल टैक्स। इस प्रकार के टैक्स केंद्र सरकार के विभागों द्वारा लगाए जाते हैं। स्टेट टैक्स। इस प्रकार के टैक्स राज्य सरकार के अधीन विभागीय अधिकारियों द्वारा लगाए जाते हैं। लोकल टैक्स। इस प्रकार के टैक्स लोकल अथॉरिटी यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के विभागीय अधिकारियों द्वारा लगाए जाते हैं। श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य होता है। किसी भी बिजनेस, संस्थान, कंपनी में कर्मचारियों को सैलरी पर रखा जाता है। इस तरह के श्रमिकों के बारे में श्रम विभाग को सूचित करना होता है। श्रमिकों से जुड़ी सुरक्षा, प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी बीमा, वेतन भत्ते आदि के बारे में श्रम विभाग के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इसके अलावा न्यूनतम वेतन, ग्रेच्युटी, साप्ताहिक अवकाश, मातृत्व अवकाश, शारीरिक शोषण, यौन उत्पीड़न, बोनस भुगतान आदि श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं के बारे में श्रम विभाग के नियमों और कानूनों का भी पालन करना होता है। तो दोस्तों, यदि आप इन नियमों को समझकर बिजनेस करेंगे तो कभी भी आपको कानूनी पेचीदगी में नहीं फंसना पड़ेगा। कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।